नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है एक बार फिर से हमारे चैनल सोलफुल गार्डनिंग बाय बिहान में। तो आज हम दोस्तों डिस्कस करने जा रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से कि किस तरह से हम आम की पैदावार को अच्छे से अंतिम चरम तक पहुंचा सकते हैं और किस तरह से हम आम की फसल को अच्छी तरह से उसका उत्पादन ले सकें। तो दोस्तों सबसे पहले आम के पेड़ की अगर हम बात करें तो इसकी प्रक्रिया एक लगभग महीने मार्च के अंडे में इसमें जो आम का मंजर होता है वो लगना शुरू हो जाता है, जिसको हम बूर के नाम से भी जानते हैं। कई राज्यों में इसको बूर भी कहा जाता है और आप देख सकते हैं यहाँ पे जब शुरुआती तौर पे इस आम के पेड़ पे मंजर लगा था तो उम्मीद की जा रही थी कि इस बार ढेरों सारे फल जो हैं वो हम प्राप्त करेंगे, परंतु हुआ यूँ कि तूफान के कारण और आंधी के कारण और कुछ जो कमियों के कारण बहुत सारे जो इस पेड़ का मंजर था वो नीचे गिर गया, जिसकी बदौलत उम्मीदों पर उतरने वाला फल जो है वो नहीं लग पाया। इस प्रकार मेरे पास यहाँ पे एक केसरी प्रजाति का क्योंकि तेज़ हवा आंधी धूप और कीटनाशकों की वजह से मजर जो है वो पेड़ का गिर ही जाता है या फिर बच भी जाए तो उन्हें जो कीटनाशक की वजह से बचाना संभव तो होता है, लेकिन कीटनाशक जो है वो समय के ऊपर उसका छिड़काव ज़रूरी है।
कुछ चीज़ें हैं जो हमारे किसान भाइयों को या बागवानी करने वालों को जो कि हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए। जैसे मंजर आने के बाद कभी ना करें पटवन, क्योंकि अगर हमारे कृषि वैज्ञानिकों के मुताबिक मंजर की फसल जब आने आ जाता है तो पटवन तो बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए। कम से कम जब तक जो हमारा आम का फल है वो 20 से 25 ग्राम तक तैयार ना हो जाए तो तब तक हमें पटवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसका फसल के ऊपर बुरा प्रभाव पड़ना निश्चित ही समझे। चलिए अब हम कुछ प्रकाश डाल लेते हैं कि मंजर को गिरने से कैसे रोका जाए। तो सबसे पहले तो इमीडा क्लोरोपीड नामक की दवा का छिड़काव, जो कि मैं पहले भी बता चुका हूँ कि उसको छिड़काव बहुत ही अनिवार्य है, ज़रूर उसका छिड़काव आप करें, जो कि कीटनाशकों से और बाकी कीटों से भी बचाने में सफल रहेगी। यहाँ पे अगर एक दवा की और बात करें तो इमीडा क्लोरोपीड के साथ साथ अगर हो सके तो प्लानो फिक्स दवा की एक नामक दवा है, जिसका वो भी प्रयोग हम कर सकते हैं। तो हमारे किसान भाइयों को ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि अगर इमीडा क्लोरोपीड का छिड़काव हमने कर दिया है तो इसके तत्काल कुछ देर समय के बाद प्लानो फिक्स दवा का छिड़काव भी ज़रूरी है, जो कि हम 1 मिलीलीटर प्लानोफिक्स को 3 से 4 लीटर पानी में मिलाकर खेती का छिड़काव कर सकते हैं, ताकि उचित मात्रा में ही दवाई मिला जा सके। इन दो दवाओं का छिड़काव जो है कि बेहतर रहेगा मंजर को बचाने के लिए। अब बात करते हैं कि छिड़काव कब कब किए जाए। तो पहला छिड़काव देखा जाए, आम की पहला छिड़काव जो है वो अनुच्छेदित कीटनाशक का मंजर आने से पहले किया जा सकता है, ताकि कीटनाशक जो है पेड़ की छाल की दरारों में छिपा जो मधुवक नामक का कीट होता है वहाँ तक पहुँच जाए। उसके बाद जो दूसरा छिड़काव की बात करें, तो जब मजरों को मटर के आकार दाने दिखाने दे लगे तो कीटनाशक के साथ फफूदानाशक दवा मिलाने की सलाह दी जाती है, जो कि मैं यहाँ पर किसान भाइयों को ज़रूर बताना चाहूँगा कि जिसको हम अंग्रेज़ी में फंगीसाइड के नाम से भी जानते हैं वो ज़रूर इसमें मिक्स कर लें, क्योंकि उसका भी यहाँ पे होना ज़रूरी है। इससे भी दूसरे छिड़काव के बाद भी मंजर का जो गिरना है वो काफ़ी हद तक रुक जाएगा। तीसरा छिड़काव जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि वो कब करना है, तीसरा छिड़काव तब करना है जब आम के मजर मटर के दानों के बराबर हो जाए। तीसरा छिड़काव में अगर देखा जाए तो फफूदनाशक को कीटनाशक मिलाना चाहिए, क्योंकि कीटनाशक यहाँ पे ज़रूरी हो जाता है, ताकि जो भी कीटनाशक हैं वो मजर को नष्ट करने की क्षमता रखते हैं, वो तत्काल रूप से ख़त्म हो जाए। एक बात मैं यहाँ पे आपको एक और बताना चाहूँगा अपने किसान भाइयों की, कि जैसे आप देख सकते हैं कि ये वाला जो बुर है या ये वाला जो मंजर है, ये फल इसमें लगने की तो अभी शंका है ही नहीं, क्योंकि फल जो लगना था वो लग चुका है। आप देख सकते हैं ये मेरे हाथों में, ये देख सकते हैं फल जो लगना था लग चुका है। तो कोशिश करें इससे वाले जो मंजर को इसको इमीडिएटली वहाँ से रिमूव कर दें। अगर आपके पास कटर है तो कटर से कर दें, या कोई भी नोकीला या तेज़ टूल आपके पास होगा तो उससे आप इसको काट के अलग कर दें। ये अलग करना बेहद ही ज़रूरी, क्योंकि इसमें बहुत सारे कीटनाशक मधुआ नामक का और भी दूसरे कीटनाशक इसमें अपना निर्वाह करने की क्षमता रखते हैं और फल को भी बर्बाद करने की क्षमता रखते हैं। आप ये पेड़ देख सकते हैं यहाँ से, इसकी लगभग
6 से 7 साल की उम्र का ये हो चुका है। अभी इसका ये लगभग तीसरा फल इसका यहाँ पे देने के कगार पे है। तो मेरे साथ आप देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी अच्छा मंजर यहाँ पे लगा हुआ था, परंतु कुछ इस तरह से ये मंजर यहाँ पे ख़राब हो गया दोस्तों। तो अगर आपके आम के पेड़ के ऊपर भी इस तरह का मंजर जो हो रखा हो तो उसको कोशिश करें कि आप तुरंत ही हटा दें, क्योंकि ऐसे वाले मंजर में काफ़ी कीड़े पनपते हैं जो कि दूसरे मंजर को भी ख़राब करने की क्षमता रखते हैं। देख सकते हैं आप मेरे साथ यहाँ सामने कुछ इस तरह से मंजर जो ख़राब हो रखा है, तो इसको तुरंत ही हटाने की कोशिश करें ताकि ये दूसरे जो मंजर लगे हुए हैं उनको ख़राब ना करें। तो ये बात का ध्यान ज़रूर रखें। चलिए चलते चलते मैं आपको एक बार ज़रूर फल के दृश्य ज़रूर दिखाना चाहूँगा। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे काफी सुंदर फल। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना काफ़ी। आज का वीडियो बनाने का हमारा मेन उद्देश्य यही था कि किस तरह से हमारे आम के पेड़ को कीड़ों से बचाया जाए और किस तरह से मंजर को बचाया जाए, आम का मंजर जो कि बाद में फल में तब्दील होता है। कई राज्यों में इसको हम आम बूर के नाम से भी जानते हैं। तो चलिए दोस्तों, इस तरह का अगर है उसको आप यहाँ से रिमूव कर सकते हैं, क्योंकि इसका फ़ायदा है यानी कि यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पूरा का पूरा इसको मंजर लगा हुआ था, लेकिन फल इस पर ही मिलेगा क्योंकि हम इस पर। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, फिर हाजिर होंगे आपके सामने एक नया वीडियो लेके, नया विषय लेके। तब तक के लिए हमें इजाज़त दें, नमस्कार। आपका दिन मस्त रहे और आप सब व्यस्त रहें, स्वस्थ रहें। ईश्वर से यही कामना करते हैं कि आपके जीवन में ढेरों सारी खुशियाँ आएँ। धन्यवाद।